मुंबई पुलिस से किसने कहा सलमान के केस में लॉरेंस का नाम डालो, एफआईआर में माफिया कालू का नाम हटाओ। 14 घंटे में बदले आरोपियों के नाम, क्या लॉरेंस के नाम पर कोई और कर गया मुंबई को हिलाने वाला काम। ये लॉरेंस के गुर्गे होते तो इनकी क्या पहचान होती। मूसे वाला केस की फाइल क्यों पड़ रही है महाराष्ट्र पुलिस। सलमान के घर के बाहर हुए कारनामे को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुंबई पुलिस अभी भी इस केस को लेकर ये कंफर्म नहीं है कि इसमें किसका हाथ है। यहाँ तक कि लॉरेंस का नाम लेने से भी लगता है जल्दबाजी हो गई। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा मीडिया में सामने आए 5 सबूत दावा करते हैं। इनमें से एक एक सबूत को समझने की कोशिश करते हैं और साथ में ये भी समझते हैं कि क्या लॉरेंस और सलमान की दुश्मनी का फायदा कोई तीसरा उठाने की कोशिश कर रहा है। मूसे वाला केस की फाइल महाराष्ट्र पुलिस क्यों पढ़ रही है। सबूत नंबर 1, 14 अप्रैल को घटना के बाद मौके पे पहुंची मुंबई पुलिस को पता चलता है कि इस केस में रोहित गोदारा का हाथ है। रोहित गोदारा के गुर्गे विशाल उर्फ कालू का नाम सामने आता है। उसके घर मीडिया भी पहुंच जाती है और मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है, पर कुछ घंटे बाद खेल बदल जाता है। सबूत नंबर 2, मुंबई पुलिस जो एफआईआर करती है उसमें विशाल उर्फ कालू का नाम कहीं भी नहीं था। तो क्या ये दो राज्यों की पुलिस के बीच मिसकम्युनिकेशन का नतीजा था जो किसी और का नाम उछल गया। सबूत नंबर 3, मीडिया रिपोर्ट बताते हैं कि लॉरेंस के गुर्गे अत्याधुनिक विदेशी सामान मंगवाते हैं, वो नए लड़कों को भी यही देता है। यहाँ तक कि संपत नेहरा जब पकड़ा गया था तो उसके पास से भी कोई चुटपुटिया सामान नहीं मिला था। फिर इन लड़कों के पास से ये हल्के हथियार कहाँ मिले। क्या लॉरेंस ने पुलिस को भ्रम में डालने के लिए इस बार पूरी प्लानिंग बदल दी, या फिर लॉरेंस के नाम पर कोई और खेल कर गया। अगर फिल्मों और वेब सीरीज का उदाहरण ले तो आपको हमेशा याद आएगा, दो लोगों की दुश्मनी का फायदा तीसरा आदमी उठा जाता है। हालांकि इसका कतई ये मतलब नहीं है कि लॉरेंस दोषी नहीं है। लॉरेंस जो करता है वो समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और लॉरेंस को इसकी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पर सलमान खान के घर के बाहर 14 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ, उसके 14 घंटे बाद जिस तरह से एफआईआर से कालू का नाम हटाए जाने की बात सामने आई, उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। सवाल नंबर 1, जब सलीम खान को धमकी वाला पत्र मिला था तब लॉरेंस से जेल में पूछताछ हुई थी और उसने पल्ला झाड़ लिया था, तो क्या इस बार भी वो यही करने वाला है। कहते हैं कोई भी चोर खुद को तब तक चोर नहीं मानता जब तक वो पकड़ा न जाए, और यही हाल शायद लॉरेंस का भी हो। तभी तो आज तक 50 से ज्यादा मामलों में आरोपी होने के बाद भी दोषी कुछ ही मामलों में साबित हो पाया है। जेल में बैठ के इस बात का वो जिक्र भी करता है, मैं तो बिना सजा के ही बंद हो गया, लेकिन साथ में ये नहीं कहता कि उसके बावजूद भी मैं नहीं सुधरा। और आज हालत ये है कि महाराष्ट्र पुलिस लॉरेंस का तरीका समझने के लिए मूसे वाला केस की फाइल पढ़ रही है, क्योंकि वहाँ भी लॉरेंस से ज्यादा क्लू नहीं छोड़े थे। तिहाड़ जेल से लेके पंजाब की जेलों तक में हुई पूछताछ में सिर्फ यही कहता रहा, मेरा कोई हाथ नहीं रहा। लेकिन पुलिस लॉरेंस की चाल में नहीं आने वाली, बल्कि उसकी हर हरकत पर एक साथ कई राज्यों की पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।